हिमाचल प्रदेश वन विभाग की 22वीं राज्य स्तरीय खेलकूद एवं ड्यूटी प्रतियोगिता लुणु मैदान में शुरू हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय कुमार ने किया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से वन विभाग के लगभग 700 अधिकारी, जिसमें 630 पुरुष व 70 महिलाएं कर्मचारी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि वन कर्मी पूरा वर्ष दूर दराज के क्षेत्रों, अत्यंत चुनौती भरी परिस्थितियों में कार्य करते हैं। उनके लिए ये एक ऐसा अवसर होता है जहां बीट स्तर पर कार्य कर रहे वन कर्मी से लेकर उच्च अधिकारी तक सभी एक मंच पर एक साथ मिलकर स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश, प्रदेश अथवा संस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के नागरिक मानसिक एवं शारीरिक रूप से कितने तंदुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन से मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है तथा कर्मचारियों को न केवल अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है, अपितु उनमें एक नए उत्साह एवं ऊर्जा संचार के साथ साथ आपसी भाईचारे तथा सद्भाव को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि वन विभाग प्रदेश के मुख्य विभागों में से एक है और इस विभाग में अनुशासन एवं कर्तव्य निष्ठा एक परंपरा रही है और इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिताओं का निरंतर आयोजन करके इस परंपरा को कायम रखना एक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि ये एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि राष्ट्र स्तर पर भी वन विभाग हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है तथा अपनी खेल प्रतिभा के जौहर दिखाकर उन्होंने पूरे देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं हिमाचल प्रदेश वन विभाग की 22वीं राज्य स्तरीय खेल कूद एवं प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। हर साल वन विभाग इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है और ये प्रतियोगिता वर्ष 1991 से आयोजित करना हमने शुरू किया था। इसमें हमारे पूरे प्रदेश के वन विभाग के फील्ड के भी और ऑफिस में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारी हिस्सा लेते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, डिप्टी रेंजर हो, रेंज ऑफिसर हो, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हो या कार्यालय में काम करने वाले सुपरिटेंडेंट क्लर्क, सभी लोग इसमें आते हैं। इसमें हम 13 टीमों में पूरे प्रदेश के वन विभाग को इसमें बांटते हैं, जिसमें 10 टेरिटोरियल सर्कल की, एक वन निगम की, एक वन मुख्यालय की और एक हमारे वाइल्ड लाइफ विंग की टीम होती है। इस बार भी सारी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और 700 के करीब इसमें प्रतिभागी हैं, जिसमें 70 जो हैं वो महिला प्रतिभागी भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद जो है हम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाएंगे। केंद्रीय सरकार द्वारा, पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा भी ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हर साल किया जाता है किसी न किसी राज्य में, जो इस वर्ष 3-7 मार्च को उड़ीसा भुवनेश्वर में होने जा रहा है। तो इस प्रतियोगिता में जो हमारे खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतेंगे, जो भी विजेता टीमें होंगी, विजेता प्रतिभागी होंगे, उनका चयन होगा फिर हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल की टीम में शामिल होकर वहाँ हिमाचल का नेतृत्व करने के लिए वो जाएंगे। और वहाँ भी हर साल राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहता है और स्पेशली जो हमारे महिलाओं की वॉलीबॉल, कबड्डी और बास्केटबॉल टीम, इसी तरह पुरुषों की भी वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और कबड्डी टीम जो है हमेशा कोई ना कोई मेडल लाती है और कुछ एक हमारे खिलाड़ी वो एथलेटिक्स में भी अच्छा स्थान प्राप्त करता है। तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी हम वही प्रदर्शन दिलाने में कामयाब रहेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।